हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सुजनो ते बेलियो मिते रो ते सेलियो तो ते मा लायो नाले मक्खन देयो पेड़ियो। वेलकम बैक हो, वेलकम बैक एन अदर ब्रांड नियो वीडियो। आहा, और मैंने सुना हो तबीयत मबीयत बराबरे। बाबा जी, इन दिनों ये न्यूज बहुत ज्यादा गलत कर रही है कि इंडिया अपने इंडिपेंडेंस डे वाले दिन एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रहा है, बड़ा रहता नहीं तो हमारे डिजिटल जाकत थोड़े एहसास कमतरी का शिकार हो गए थे कि इंडिया वाले अपनी जाती इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रहे हैं और हम वही। तो मैं उन डिजिटल दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, क्योंकि झोंक रहा है आपके लिए एक बंपर ऑफर। इस दफा बाबा जी हमारा तराना नहीं आ रहा बल्कि तरानों का कंपटीशन हो रहा है। तो भाभी टेंशन माकाबा, वो एक गाड़ी मार्केट में फेंक रहे हैं और हम ट्रक तरानों का लेके आ गए हैं। आहा, वैसे बाबा जी अगर देखा जाए तो 2 गोल्ड मेडल, 3 ब्रॉन्ज और 3 सिल्वर आए हैं, तो इस इंडिपेंडेंस डे पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र कर सो तो अल्लाह कहता है मैं और देसा। अल्लाह दे नेक बंदियों की हो गया तुहानू। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम अपने परचम कुशाई के साथ साथ इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स की सुथरी चिकाई भी करेंगे। आहा, बहुत चंगा ना मैं। बाबा जी, बॉलीवुड पाकिस्तानी सॉन्ग की कॉपी और छापा करता ही रहता है, जिसकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो कि यहाँ इस नुक्कड़ पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं। बाबा जी, गाने तो ये कॉपी करते ही हैं, लेकिन इनके कच्ची बस्ती के इन्फ्लुएंसर अपने एक दूसरे के घिसे पिटे कंटेंट को भी नहीं छोड़ते। बाबा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जस्ट शुगर मेले के लिए है, सो डोंट टेक इट आई सी यू। बाबा जी, इस वीडियो में जिस चीज को आपने फोकस करना है वो लफ्ज ये अपने अक्सर वीडियो में यूज करते हैं, औकात। तुम्हारी औकात क्या है? भाई, औकात लफ्ज तो वो ऐसे यूज करते हैं जैसे हम लोटा यूज करते हैं वॉशरूम में, असेंबली में नहीं। बाबा जी, औकात लफ्ज तो ऐसे यूज करते हैं जैसे टिकटॉक वाले दिमाग यूज करते हैं। और औकात इतनी है कि हमारे गानों और हमारे सिंगर्स के साथ जो ये करते हैं वो तो अलग बात है, मगर बाबा जी छोड़ते ये अपनों को भी नहीं है, आप खुद चेक कर लें। तो मेरे 3-4-5 एक्सपीरियंसेस हैं इन बॉलीवुड, ज्यादा है नहीं, मैं यहाँ पे ज्यादा वो मेरे अच्छे नहीं है। मैच पंजाब बनाया गाना तो दे सेंड इट टू मी कि आप गा दीजिए, ओके मैं सुन लेता हूँ, अगर मेरे गाने वाला हुआ तो मैं गा दूंगा। तो मैंने सुना, मुझे गाना ठीक लगा, तो मैंने गा के इनको गाना भेज दिया। 3 महीने तक नोबडी कॉल मी। मुझे मैंने उनके म्यूजिक डायरेक्टर को तनिष्क को मैसेज किया कि ब्रो आपने मेरी वोकल यूज की है, तो ही सेड नो कि नहीं यूज की, इट्स धर्मास कॉल। अच्छा जी, विल डू नेक्स्ट टाइम कुछ और। ऑन किया तो सारा ट्रेलर मेरी वोकल पे काटा उन्होंने, सारी प्रमोशन उन्होंने उस गाने पे की, नोबडी सेज इट के किसने गाया है, मुझे गाया। और फिर मुझे नेक्स्ट से पता लगा वो अबरार भाई ने ट्वीट कर दिया। अभी बाबा जी आप हिसाब लगाएं कि ये अपने सिंगर्स के साथ भी 420 कर जाते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। तो बाबा जी अभी चलते हैं औकात को उसकी चांद दिखाने, इधर तक ना। ठीक है, बदतमीज़ समझ नहीं आता, 9.5 लाख की गाड़ी है, तमीज है कुछ? कहाँ खड़े हो तुम मॉडल रख के, 9.5 लाख की गाड़ी है। 9.5 लाख की गाड़ी कुछ याद आया? 2000 रुपया। 9.5 लाख की? 2000 रुपया। समझ नहीं आती, तुम्हें कभी औकात देखी अपनी? औकात? तुम्हारी औकात क्या है? कौन है तू? शीशा देखा कभी? शीशा देखा है? ना ना, ऐसे तो कदे नहीं तकिया शीशा पर। अबे यार ऐसा कौन चलता है, कुछ याद है इससे? ये बवासीरी चाल भी अली हैदराबाद की कॉपी की हुई है, कुछ नहीं छोड़ना, सब कुछ ही कॉपी कर लो सालो। बाकी बातें छोड़ो बाबा जी, कुड़ी दी गल्लां सुनो, 9.5 लाख, 40 लाख, 33 रुपए वाला बंदा तू नाल रखिया, गल्लां लखा दियां। और तू भी कोई बोल ले, कोई लफ्ज मुंह कर ले, जबा जबा ही कर ले तू। जबा जबा, मेरी फोटो सारी खराब आई होंगी, पक्की बात है यार। अरे खराब शक्ल की सही कैसे आ सकती है फोटो? मेरी बात तो सुन लो। अब सुनने को क्या बचा, क्यों खड़े हो यहाँ पे? वैसे इसने बात की कब और तुमने क्या सुना? कुछ बोलने दिया है इसको सौदे को? ये गाड़ी आपकी है? हाँ।
पर अभी हमने आपको इतना सुनाया मेरी 9 लाख की गाड़ी के सामने। अभी भी 9 लाख नहीं, 9.5 लाख। 9.5 लाख की गाड़ी है। आपकी 40 लाख की गाड़ी के सामने आपने मैं कुछ नहीं बोला। रुको जरा, सबर करो। आपने मनुष्य मेरे सामने ना ले आवी, दफा हो जा तू। चल मलंगा चल। अरे बेटा जी अंकल, अपने बेटे की शादी के लिए मुझे एक कोट पैंट चाहिए, अच्छा सा दिखाओ जरा। आपको पता भी आप कहाँ आए हैं? नहीं। हाँ, एक अच्छे शोरूम में आए हैं, बहुत अच्छा शोरूम बनवाया हुआ है। हाँ अच्छा तो बनाया है, पर ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। ऐसा कौन कहता है बे? पर ये आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। श्री वाज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। अरे अंकल समझ में नहीं आता क्या आपको? बोला ना आप जाओ यहाँ से। अरे सुनो, इंडिया दी मरियम औरंगजेब, आपकी औकात के बाहर है इतने बड़े शोरूम से कपड़े खरीदना। औकात? तेरा दूर फिटे औकात। ये तो वही बात हुई ना कि औकात ना जाने आंगन टेढ़ा। बेटा आपको हमारी औकात से क्या लेना देना, आप अच्छा सा कोट पैंट दिखाइए, मुझे पसंद आएगा मैं ले लूंगा और पैसे भी दूंगा। That's it. मगर ना बुड्ढे का धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। दुकान का मालिक आया जो कि बुड्ढे का ही पुत्र था, फिर क्या? I'm so sorry sir, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं पता था कि ये आपके पापा हैं। सर हमें जॉब से मत निकालिए, हम आगे से किसी को जज नहीं करेंगे। यार इसको एक्टिंग तो सिखा लो, इंडियन औरंगजेब को तो एक्टिंग ही नहीं करनी आती। चल मलंगा चल। ओके सो फाइनली ये घर सेल हो गया। तुमसे मतलब? सर वैसे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है। 9.5 लाख की गाड़ी है। मकान के ओनर से तो मिला जाए, हमारे पड़ोसी आफ्टर ऑल। जी सर मेरा नाम राम। अबे तेरा नाम नहीं पूछा। अब भाई बदतमीजी करनी भी है तो ढंग से करो ना, इसकी बात पूरी नहीं हुई। अबे तेरा नाम नहीं पूछा। रुको जरा। सर इस घर का मालिक मैं ही हूँ, ये घर मैंने ही खरीदा है, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। अबे सुन, इस एरिया में तू घर खरीदेगा? हाँ। तेरी औकात है उतनी? ओ आ गया आ गया। तेरी औकात है उतनी? आपकी औकात क्या है? आपकी क्या औकात है? हैं? आपकी क्या औकात? मैं 9 से 5 जाता हूँ। लो आ गए घर के असली ओनर। अरे किसी हयात माऊ के वाह हयात बच्चे, ये तुझे किस एंगल से ओनर लग रहा है? एक तो बहुत ये चुगियों के इन्फ्लुएंसर को ये नहीं पता चलता कि किसको क्या रोल सूट करता है। ये जो शक्ल सूरत लगता है ओनर, उसे कह रहा है कि नहीं लगता नहीं लगता, और जो नहीं लगता है वेल्डिंग वाली ग्लासेस पहन कर कौन घर का मालिक लगने लगता है यार। अपने लात पर चेक कर, शर्ट का बटन तो लगवा नहीं सकता, गले करता है। अरे छोड़ इन्हा नु। हाय जी मैम, ये गाड़ी आपकी है? नहीं। तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे खड़े होकर फोटो खिंचवाने की? तेरी औकात है ये गाड़ी खरीदने की? अरे बेबी सांस तो ले ले, पहली सट्टी औकात। औकात तो ऐसे जैसे हथेली पे रख के फिरती हो, दफा हो जा तू। और बहुत फिर वही बात ना, इनको ये नहीं पता कि कौन सा लड़का कहाँ फिट होना है। अगर देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के हिसाब से तो औकात यहाँ फिट हो रहा है, ये तो फिर भी मुमत्थे लगने वाला है। कैसे बच्ची मर्सिडीज वर्गा बंदा तू नाल चुकी फिरनी है, ते गलना तो औकात दी करनी है। और खुद तू अपने आप नु देख ले, कल्ले मसाले वाली निमको होंदी है। अगर इसमें गलती से कुछ हो जाता तो कौन इसका खर्चा देता? तेरा बाप? हाँ, पुठी जर्सी पा के गलियां च घूमन वाले सीधा प्यू ते ही पहुंच गए। अखोती दे अब। तो फिर आ गया। ये कार आपकी है? इस गाड़ी के आगे पिक्चर खिंचवा रही हूँ तो गाड़ी मेरी ही होगी ना। अच्छा जी। अच्छा गाड़ी की चाबी? दफा हो जाती हूँ। हाँ मैडम, आप लोगों ने कहा था कि मेरी आपकी गाड़ी में पेट्रोल भराने की औकात नहीं है। हाँ। तो ये रहे कुछ पैसे, पेट्रोल डला देना। इसे कहते हैं धोबी बिछाड़ फटका। तो ये तो पाकिस्तानी के लिए 15 अगस्त का गिफ्ट, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चल मलंगा चल। वीडियो नु लाइक ते शेयर कर। चल मलंगा चल। चैनल नु सब्सक्राइब कर। चल मलंगा चल। टाटा बाय बाय कर। खत्म। बाय बाय टाटा, गुड बाय गया।